वेलकम टू सोशल। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की कहानी आज भी दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करती है। शाहरुख उन रेयर एक्टर्स में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड में हार्डवर्क के थ्रू सक्सेस हासिल की है। चाहे उनके नेगेटिव कैरेक्टर्स हों या मेलोड्रामेटिक लव स्टोरीज, शाहरुख ने अपनी फिल्म्स के थ्रू बॉलीवुड में खास जगह बना ली है। इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान से जुड़ी 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, शाहरुख की डेब्यू फिल्म दीवाना थी, ये तो सब जानते हैं, पर बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उनकी पहली फिल्म अपीयरेंस 1989 की फिल्म इन विच एनी गिव्स टू दोज वन से हुई थी। शाहरुख ने इस फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था और बस कुछ ही सीन्स में वो नजर आए थे। ये उस टाइम की बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स फिल्म थी जिसे डीडी नेशनल पर लेट नाइट स्लॉट पर दिखाया गया था। इस फिल्म की एक्ट्रेस और राइटर अरुंधति रॉय को फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 2, शाहरुख के पैदा होने पे उनकी दादी ने उनका नाम अब्दुल रहमान रखा था, पर जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उनके फादर ने इस नाम को बदल कर शाहरुख रख दिया था। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि शाहरुख की बहन का नाम लाला रुख है और वो उनसे मिलता जुलता नाम ही अपने बेटे को देना चाहते थे। नंबर 3, शाहरुख की फिल्म कभी हाँ कभी ना उनके लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म थी। शाहरुख को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से सिर्फ 25,000 रुपए एक्टिंग फी चार्ज की और कहा कि मेरे बाकी के पैसे आप फिल्म के बजट में लगा दो। शाहरुख ने इस फिल्म की टिकट्स भी थिएटर के बाहर खुद बेची थी। नंबर 4, अपने स्ट्रगलिंग दिनों में शाहरुख ने कई अलग तरह की जॉब्स की हैं। उनमें से एक रही पंकज उदास के कॉन्सर्ट में, जहां शाहरुख एक हेल्पिंग स्टाफ का काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी लोगों के पासेस कलेक्ट करना और उनको उनकी सीट्स पर बिठाने की होती थी। इस काम के लिए शाहरुख को 50 रुपए दिए जाते थे, जो शाहरुख की जिंदगी की पहली कमाई बनी। नंबर 5, शाहरुख के फादर मीर ताज मोहम्मद खान को ओरल कैंसर था, जिसकी वजह से 1981 में उनकी मौत हो गई। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैंसर की वजह से उनके फादर की बोलने की एबिलिटी चली गई थी, तो उनसे वो सिर्फ इशारों इशारों में ही बात किया करते थे। शाहरुख की उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी। नंबर 6, अपने फादर की डेथ के बाद शाहरुख अपने फादर का रेस्टोरेंट संभाला करते थे। शाहरुख सुबह स्कूल जाया करते थे और शाम को रेस्टोरेंट में काम करते नजर आते थे। शाहरुख ने कहा कि उन दिनों घर का माहौल बहुत ही डिप्रेसिंग होता था और हम सब अब्बू की याद में रोने लग जाते थे। बस इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैं रेस्टोरेंट में आके काम किया करता था। नंबर 7, ईयर 1985 में अपनी ग्रेजुएशन के दौरान शाहरुख की बैरी जॉन से मुलाकात दिल्ली में हुई। शाहरुख उन दिनों थिएटर सीखने के लिए बहुत क्यूरियस थे और बैरी ने उन्हें अपने प्ले के लिए एज एन एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया था। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि बैरी ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे फिल्म्स में जाने के लिए इंस्पायर किया था। नंबर 8, काफी लोगों को टीवी सीरियल फौजी शाहरुख का पहला टीवी सीरियल लगता है, पर असल में उनका पहला सीरियल था दिल दरिया, जो शाहरुख ने पहले ही शूट करना शुरू कर दिया था। दिल दरिया के शूट के दौरान ही शाहरुख को फौजी सीरियल में ले लिया गया। फिर बाद में दिल दरिया के प्रोडक्शंस में डिलेज के कारण शो को टाइम पे रिलीज नहीं किया जा सका और इसलिए फौजी वो शो बना जिसमें ऑडियंस ने पहली बार शाहरुख को देखा। नंबर 9, एक्टर पवन मल्होत्रा, जो 80s के दशक में कई पॉपुलर सीरियल्स में एक्टिंग कर चुके थे, उन्हें ही टीवी सीरियल सर्कस ऑफर किया गया था, पर उसी दौरान उन्हें एक फिल्म का ऑफर भी आ गया तो उन्हें वो शो छोड़ना पड़ा। फिर प्रोड्यूसर्स ने इस शो के लिए शाहरुख को साइन किया। ये भी एक लक की ही बात है कि जिस फिल्म के लिए पवन ने ये शो छोड़ा था वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और सर्कस की वजह से ही शाहरुख टेलीविजन पे पॉपुलर फेस बन गए। नंबर 10, करण जौहर की शाहरुख से पहली मुलाकात एक टीवी शो के सेट पे हुई थी, जहां शाहरुख को इंद्रधनुष नाम का शो ऑफर किया गया था और उसी शो में करण को भी एक छोटा सा रोल दिया गया था। हालांकि शाहरुख ने शो शूटिंग से पहले ही छोड़ दिया, पर रिहर्सल्स के दौरान उनकी करण जौहर से मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती वहीं से शुरू हुई। नंबर 11, शाहरुख अपने टीवी करियर से बहुत ही सेटिस्फाइड थे और उन्हें उस टाइम पे फिल्म्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर 1990 में जब उनकी मदर लतीफ फातिमा खान चल बसी तो शाहरुख ने डिसाइड किया कि अब दिल्ली से वो मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और फिल्मों में ट्राई करना शुरू करेंगे। फिर मुंबई शिफ्ट होने के बाद वो मोमेंट आई जब मरीन ड्राइव पे शाम को बैठे हुए शाहरुख ने अपने दोस्त को कहा कि मैं एक दिन इस शहर पे रूल करूंगा। चाहे इस बात को उस वक्त सबने मजाक में लिया हो, पर आने वाले सालों में शाहरुख की ये बात सच होने वाली थी। नंबर 12, नायक फिल्म के लिए भी शंकर ने सबसे पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया था, पर शाहरुख को लगा कि ये स्टोरी लाइन हिंदी फिल्म ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। नंबर 13, ये कमर्शियल शाहरुख के करियर का पहला कमर्शियल था
उस समय शाहरुख 23 साल के थे। नंबर 14, शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत में कहा था कि वो अपनी किसी भी को एक्ट्रेस के साथ किसिंग सीन नहीं करेंगे, पर 2012 की फिल्म जब तक है जान शाहरुख की पहली फिल्म बनी जहां शाहरुख अपनी को एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को किस करते नजर आए। इसी तरह 2016 की फिल्म जब हैरी मेट सेजल में शाहरुख ने अनुष्का के साथ किसिंग सीन किया था। नंबर 15, 2011 में शाहरुख ने अमेरिकन सिंगिंग आइकन लेडी गागा का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने उन्हें अपनी वॉच गिफ्ट की, पर लेडी गागा ने ये वॉच एक्सेप्ट नहीं की और इस वॉच को उन्होंने ऑडियंस में दे दिया। शाहरुख के कई फैंस को लेडी गागा का ये जेस्चर बहुत रूड लगा, पर शाहरुख बीइंग अ हम्बल होस्ट, उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और टॉपिक को अवॉइड कर दिया। नंबर 16, शाहरुख की गौरी से मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। बस यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और कुछ महीने बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, पर कुछ टाइम डेट करने के बाद ही दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गईं। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं उन दिनों एक नैरो माइंडेड वे से रिलेशनशिप्स को देखता था, जिसकी वजह से मैं गौरी के लिए ओवरली पोजेसिव होने लग गया था। उसे नहीं पसंद आता था कि मैं उसे किसी भी बात पे क्वेश्चन करूं, इसी वजह से गौरी ने मुझे एक टाइम पर छोड़ ही दिया था। नंबर 17, बात करें शाहरुख खान की लाइफ के आइकॉनिक इंसिडेंट जहां शाहरुख ने रेलवे स्टेशन पे रात बिताई, तो उसकी असली वजह गौरी ही थी। हुआ यूं कि ब्रेकअप के बाद गौरी अपनी फैमिली के साथ मुंबई चली गई थी और शाहरुख ने भी मुंबई जाकर गौरी को ढूंढने का मन बना लिया था। शाहरुख अपने साथ जो भी पैसे लेके गए थे वो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक दो दिन में ही खर्च कर दिए। फिर उस रात शाहरुख के पास किसी होटल या लॉज में रहने के पैसे नहीं बचे थे, तो फिर बस शाहरुख उस रात अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पे सोए। इस इंसिडेंट को न्यूज में हमेशा बहुत तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है कि शाहरुख ने स्ट्रगलिंग डेज के दौरान रेलवे स्टेशन पर रात बिताई, पर रियलिटी में शाहरुख उस वक्त सिर्फ एक टीनेजर थे जिसने शौक शौक में अपने पैसे खर्च कर दिए और जब होटल में रहने जितने पैसे नहीं बचे तो दोस्तों की कंपनी में वो रेलवे स्टेशन पर जाकर सो गए। नंबर 18, अक्टूबर 25, 1991 को शाहरुख और गौरी की शादी हो गई। ये एक इंटरफेथ मैरिज रही, पर गौरी के पेरेंट्स को शाहरुख के रिलीजन से ज्यादा उनके प्रोफेशन को लेकर चिंता थी, क्योंकि उन दिनों बॉलीवुड में कई अफेयर्स और सेकंड मैरिजेस के बारे में सुनने को मिलता था। पर शाहरुख ने गौरी के पेरेंट्स को कहा कि अगर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा तो पूरी जिंदगी उसी के साथ रहूंगा, आप इंडस्ट्री के कल्चर से मुझे ना जज कीजिए। शाहरुख का कहना है कि गौरी से शादी करना उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ, क्योंकि मैरिज के एक महीने के अंदर ही शाहरुख को 5 फिल्मों में साइन कर लिया गया था। नंबर 19, ऐसे ही लक की बात करें तो शाहरुख को उनकी पहली फिल्म दीवाना भी लकीली तब मिली जब फिल्म के लीड एक्टर अरमान कोहली ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद शाहरुख को फिल्म में लिया गया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। नंबर 20, फिल्म दीवाना में जब शाहरुख को कास्ट किया गया तो उनकी एक्टिंग फी 5 लाख रुपए थी, पर प्रोड्यूसर्स ने उन्हें 4 लाख रुपए ही दिए और कहा कि अगर फिल्म हिट हुई तो उसके बाद शाहरुख को बाकी के 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही, पर शाहरुख को उनके बचे हुए 1 लाख रुपए कभी नहीं दिए गए। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जब पहली बार फिल्म देखी तो प्रोड्यूसर्स के सामने शाहरुख ने कुछ गलतियां निकाल दी, जिससे नाराज होकर प्रोड्यूसर्स ने शाहरुख को बाकी के पैसे देने से मना कर दिया। नंबर 21, शाहरुख ने अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 1994 में बाजीगर के लिए जीता था। उस फिल्म फेयर में शाहरुख 2 अवार्ड कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थे, जिनमें से एक था बेस्ट एक्टर जो उन्होंने बाजीगर के लिए जीता और दूसरा था बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, जिसमें उन्हें फिल्म डर के लिए नॉमिनेट किया गया था। पर इस नेगेटिव कैरेक्टर की नॉमिनेशन शाहरुख नहीं जीत पाए, ये अवार्ड परेश रावल को फिल्म सर के लिए दिया गया। नंबर 22, चक दे इंडिया, जो शाहरुख की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक है, इस फिल्म की पहली चॉइस शाहरुख खान नहीं थे। इनिशियली सलमान को ये फिल्म ऑफर की गई थी, पर सलमान ने फिल्म के क्लाइमेक्स को चेंज करने की डिमांड की, जिस पे उनका और प्रोड्यूसर्स का अग्रीमेंट नहीं हो पाया। फिर इस फिल्म को शाहरुख को ऑफर किया गया तो उन्हें इस स्टोरी में अपने पर्सनल सेंटिमेंट्स नजर आए। शाहरुख का कहना था कि स्कूलिंग डेज के दौरान मैं हॉकी प्लेयर बनना चाहता था, पर इंजरी की वजह से मैं 10th के बाद हॉकी नहीं खेल पाया, इसलिए चक दे इंडिया के थ्रू मैं वो पैशन दोबारा लिव करना चाहता था। नंबर 23,
जैसे शाहरुख बचपन में हॉकी के लिए पैशनेट थे, वैसे ही उनका आर्मी ज्वाइन करने में भी बहुत इंटरेस्ट था। पर अपने फादर की डेथ और फैमिली में कोई और सपोर्ट ना होने के कारण वो कभी आर्मी एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाए। इसलिए जब शाहरुख को फौजी सीरियल में कास्ट किया गया तो ट्रेनिंग के दौरान शाहरुख सबसे पहले लोकेशन पे पहुंच जाते थे। शाहरुख के इसी पैशन को देखकर फौजी में एक छोटे रोल की बजाय उन्हें बाद में मेन रोल के लिए रिप्लेस कर दिया गया था। नंबर 24। शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जब वो एक डांसिंग ग्रुप का हिस्सा थे तो शाहरुख ने ही शाहिद को एक्टिंग के लिए मोटिवेट किया। शाहिद अपनी लीन फिजिक की वजह से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे। शाहरुख ने उन्हें कहा कि तुम्हारी एज में मैं भी बिल्कुल दुबला पतला हुआ करता था, तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, अगर अच्छा डांस कर लेते हो तो तुम अच्छी एक्टिंग भी सीख सकते हो। नंबर 25। 1998 में एक अवार्ड शो के दौरान जब शाहरुख को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया तो अवार्ड लेने के बाद शाहरुख ने सलमान को स्टेज पे बुलाया और उन्हें अपना अवार्ड दे दिया। शाहरुख और सलमान उस समय बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और सलमान ने उन्हें एक दिन कहा था कि यार सारे अवार्ड्स तो तू ही ले जाता है, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दिया कर। बस इसी बात पे शाहरुख ने अवार्ड लेते हुए मजाक मजाक में सलमान को स्टेज पे बुलाया और उन्हें ही एक्सेप्टेंस स्पीच देने को कहा। नंबर 26। शाहरुख को कई बार पब्लिकली स्मोक करते हुए देखा गया है और ये बात छुपी नहीं कि उनकी स्मोकिंग की आदत बहुत पुरानी है। अपने थिएटर के दिनों में शाहरुख ने पहली बार स्मोक किया था, पर तब वो रेगुलर स्मोकर नहीं थे। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुंबई आने के बाद उन्हें स्मोकिंग की आदत लग गई। शाहरुख ने कई बार क्विट करने की भी कोशिश की पर कभी भी फायदा नहीं हो पाया। नंबर 27। 1992 में रिलीज हुई मिनी सीरीज इडियट, जिसे एक्लेम्ड फिल्म डायरेक्टर मनी कॉल ने बनाया था, इस मिनी सीरीज के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। शाहरुख इस सीरीज के मेन कैरेक्टर के तौर पर नजर आते हैं, जिन्हें एपिलेप्सी की बीमारी की वजह से लोग इडियट समझने लग जाते हैं। ये एक बहुत ही डार्क थीम्ड सीरीज थी जिसे सिर्फ एक ही बार टीवी पे दिखाया गया और शायद तभी ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। नंबर 28। अपने ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए शाहरुख को स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी पीएचडी डिग्री से नवाजा है। गांव में बिजली लाना हो या हॉस्पिटल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाना, शाहरुख ने कई तरह की चैरिटीज के थ्रू लोगों की मदद की है और इन्हीं सब एक्टिविटीज को देखते हुए शाहरुख को ये ऑनरेरी डिग्री दी गई। नंबर 29। शाहरुख खान बुक्स रीड करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। उनकी फेवरेट बुक है द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स। नंबर 30। शाहरुख ने जब मन्नत को पहली बार देखा तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस घर को वो एक दिन खरीद ही लेंगे। शाहरुख जानते थे कि फिल्म स्टार होते हुए भी इतना महंगा घर खरीदना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने जल्दी पैसे कमाने के लिए ज्यादा फिल्म साइन करना शुरू कर दिया और अपनी एडवर्टाइजमेंट फी भी कम कर दी। शाहरुख उन दिनों दिन में 18 घंटे काम किया करते थे और ऐसा बहुत बार होता था कि वो घर वापस नहीं आते थे और फिल्म की लोकेशन पर ही सो जाया करते थे। शाहरुख ने कहा कि हर इंसान को अपना ड्रीम हाउस खरीदने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगानी ही पड़ती है, मैं भी बस उनमें से ही एक हूँ। नंबर 31। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया कि 1994 में उन्होंने अवार्ड खरीदने के लिए फिल्म फेयर के एडिटर से बात की थी। शाहरुख का कहना है कि उन दिनों मैं अवार्ड जीतने के लिए बहुत डेस्परेट था, इसलिए मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी, अच्छा हुआ कि एडिटर ने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 32। बॉलीवुड में हमेशा एक्ट्रेस के अफेयर्स के बारे में सुनने को मिलता है, बट शाहरुख के साथ कभी भी किसी एक्ट्रेस का नाम नहीं जोड़ा गया। पर फिल्म डॉन 2 की रिलीज से पहले प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख के अफेयर्स के र्यूमर्स आना शुरू हो गए। दोनों की क्लोजनेस पब्लिकली साफ नजर आ रही थी और मीडिया में कई क्वेश्चनेबल फोटोज भी पब्लिश की गई, जिससे इस र्यूमर ने एक सीरियस मोड़ ले लिया। मीडिया में तो दोनों ने इस बात को डिनाई किया, पर इसके बाद दोनों कभी एक साथ दोबारा नजर नहीं आए। नंबर 33। 2018 में इस अफेयर को लेकर दोबारा एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई जब प्रियंका अमेरिकन शो डर्टी लॉन्ड्री में एज अ गेस्ट नजर आईं। इस शो में सेलेब्स अपने फेवरेट क्लोथ्स और फैशन एक्सेसरीज के बारे में बात करते हैं। प्रियंका ने सबको हैरान कर दिया जब इस शो में वो वही जैकेट पहनकर आई जो उन्हें शाहरुख ने गिफ्ट की थी। उन्होंने इस शो पे ओपनली एक्सेप्ट किया कि ये जैकेट उनके एक्स बॉयफ्रेंड की है। नंबर 34। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स में से एक है। जब शाहरुख को ये फिल्म ऑफर की गई तो शाहरुख ने यश चोपड़ा के कहने पे ये फिल्म साइन कर दी थी। फिर जब कुछ महीने बाद शाहरुख को फिल्म की स्टोरी डिटेल में नरेट की गई तो उन्हें लगा कि उनके टाइप की फिल्म नहीं है, क्योंकि उन दिनों शाहरुख अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स या ट्रेजिक लव स्टोरीज के लिए पॉपुलर थे। शाहरुख ने आदित्य चोपड़ा को कहा कि मुझे ये स्टोरी बहुत मेलोड्रामेटिक लग रही है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कैरेक्टर मुझ पर सूट करेगा।
पर सिंस ये फिल्म यशराज बैनर की थी और शाहरुख आदित्य चोपड़ा से भी बहुत क्लोज थे तो उन्होंने इस फिल्म को करने का मन बना लिया। फिर जब दिलवाले दुल्हनिया रिलीज हुई तो फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शाहरुख ने आदित्य चोपड़ा को थैंक यू कहा और आज भी शाहरुख इस फिल्म को अपने करियर की ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म मानते हैं। नंबर 35, डॉन 2 के सीन में जहां डॉन को होटल के रूफ से जंप करते हुए देखा जाता है, उस सीन को शाहरुख ने बिना किसी बॉडी डबल के किया था। शाहरुख ने इससे पहले कभी भी इतनी ऊंचाई से कोई स्टंट परफॉर्म नहीं किया था। नंबर 36, 2008 की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म शौर्य का भी शाहरुख हिस्सा रहे हैं और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म के एंडिंग क्रेडिट्स में शाहरुख शौर्य का मतलब नरेट करते सुनाई देते हैं। नंबर 37, शाहरुख को स्लमडॉग मिलियनेयर में केबीसी होस्ट यानी अनिल कपूर का रोल ऑफर किया गया, पर शाहरुख अपना हॉलीवुड डेब्यू साइड कैरेक्टर से नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिर जब स्लमडॉग मिलियनेयर रिलीज हुई तो शाहरुख को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई। शाहरुख ने फिल्म डायरेक्टर डैनी बॉयल को अप्रोच किया और प्रमोशंस में हेल्प करने का प्रॉमिस किया। इसीलिए शाहरुख को 2009 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में फिल्म के प्रेजेंटर के तौर पे देखा गया। नंबर 38, मुन्ना भाई MBBS राजकुमार हिरानी ने स्पेशली शाहरुख को माइंड में रखते हुए लिखी थी, पर शाहरुख को नहीं लगा कि वो इस रोल में फिट बैठेंगे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिर कुछ सालों बाद जब संजय दत्त को शाहरुख ने इस फिल्म में देखा तो उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा हुआ मैंने ये फिल्म रिजेक्ट की, मुझे नहीं लगता कि संजय दत्त से बेहतर कोई भी मुन्ना भाई के रोल को अदा कर सकता था। नंबर 39, अपने टीवी करियर के दौरान शाहरुख ने एक म्यूजिकल शो भी होस्ट किया था जिसकी क्लिप कुछ साल पहले ही ऑडियंस के सामने आई। कुमार शानू साहब क्या वही हैं जो किशोर कुमार के अंदाज में गाना गाते हैं? शाहरुख, ये बात जरूर है कि उनकी आवाज किशोर। जी हाँ, कुमार शानू साहब। नंबर 40, शाहरुख का फेवरेट नंबर 555 है। शाहरुख की कार्स हो या उनके और उनकी फैमिली के फोन नंबर्स, शाहरुख हमेशा 555 को अपनी लाइफ और वर्क से जोड़कर रखते हैं। नंबर 41, जब शाहरुख ने रोहित शेट्टी के साथ फिल्म करने का मन बनाया तो रोहित ने 1982 की फिल्म अंगूर के मॉडर्न रीमेक के लिए शाहरुख को अप्रोच किया, पर शाहरुख को उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर रोहित को डाउट हुआ कि शाहरुख शायद अगली बार भी उनकी स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो उन्होंने लगे हाथ शाहरुख को अपनी एक पुरानी स्क्रिप्ट की कहानी सुनाई जो थी चेन्नई एक्सप्रेस। शाहरुख फिल्म की नरेशन सुन के जोर जोर से हंसने लगे और ऐसे ही शाहरुख ने रोहित की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में एक्टिंग करने के लिए हाँ कर दी। नंबर 42, चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख की आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है जिसने इंडिया में लगभग 300 करोड़ का बिजनेस किया। बस यही नहीं, फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने थ्री इडियट्स को भी पीछे छोड़ दिया और उस टाइम पे चेन्नई एक्सप्रेस इंडिया की हाईएस्ट अर्निंग फिल्म थी। फिर उसी साल चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड क्रिश 3 ने तोड़ दिया। नंबर 43, फिल्म माय नेम इज खान में जहां शाहरुख के कैरेक्टर को एस्पर्जर सिंड्रोम होता है, इस कैरेक्टर के लिए शाहरुख 2 हफ्ते उन लोगों के साथ रहे जिन्हें रियल लाइफ में एस्पर्जर सिंड्रोम था। शाहरुख इस रोल में अपना 100% देना चाहते थे, इसलिए घर पर भी शाहरुख अपने कैरेक्टर में ही रहा करते थे। नंबर 44, 2012 IPL में शाहरुख की वानखेड़े स्टेडियम के ऑफिशियल्स के साथ एलिजेड फाइट का इंसिडेंट सामने आया। शाहरुख का कहना था कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनके बच्चों को गलत तरह से ट्रीट कर रहे थे और इसी बात पे उस दिन उन्हें गुस्सा आ गया। इस इंसिडेंट के बाद शाहरुख को 5 साल के लिए वानखेड़े स्टेडियम से बैन कर दिया गया, पर 3 साल के बाद ही शाहरुख पर से बैन हटा दिया गया क्योंकि कोर्ट में उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम प्रूव नहीं हो पाए। शाहरुख ने भी अपनी गलती मानी और अपने फैंस को अपोलोजाइज किया। नंबर 45, शाहरुख ने अपने अर्ली डेज में एक शॉर्ट फिल्म में भी एक्टिंग की थी जिसका नाम था महान कर्ज। नंबर 46, शाहरुख टीवी सीरियल्स करने के बाद जब मुंबई आए तो अब उनके पास कोई ज्यादा फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं थी। अजीज मिर्जा, जिन्होंने शाहरुख को सर्कस सीरियल में डायरेक्ट किया था, उन्होंने ही शाहरुख को मुंबई में अपने ऑफिस में रहने की जगह दी थी। फिर जब कुछ हफ्ते ऐसे ही बीते तो मिर्जा ने उनको कुछ पैसे दिए और किराए पर घर भी दिलाया। शाहरुख ने अजीज को प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो उनके इस फेवर को बहुत अच्छी तरह से रिपे करेंगे। शाहरुख जब स्टार बने तो अजीज की डायरेक्टेड फिल्म्स यस बॉस और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में शाहरुख ने कोई पैसे नहीं लिए। बस यही नहीं, शाहरुख ने अजीज को अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज में भी पार्टनर बनाया। नंबर 47,
शाहरुख इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के पहले ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्म की शूटिंग नासा के स्पेस सेंटर में की गई। शाहरुख की ग्लोबल रीच को देखते हुए नासा ने उन्हें फिल्म स्वदेश की शूटिंग के लिए परमिशन दे दी। नंबर 48। रईस में पहली बार शाहरुख नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आए। नवाज शाहरुख के सामने थोड़ा नर्वस थे और उन्हें नहीं पता था कि शाहरुख से सेट पे कैसे बात की जाए, पर शाहरुख ने नवाज को पहले दिन ही ये बात बोल दी थी कि भले ही मैं आपसे एज और एक्सपीरियंस में सीनियर हूँ, पर मैं आपके और आपके कैरेक्टर की पूरी तरह रिस्पेक्ट करूँगा, तो प्लीज़ आप भी मुझसे कोई बात कहने में घबराइएगा नहीं। नंबर 49। फिल्म दिल से के छैया छैया गाने में शाहरुख ट्रेन पे डांस करते नजर आते हैं। उस गाने में हर बैकग्राउंड डांसर को सेफ्टी हार्नेस से बांधा गया था क्योंकि चलती ट्रेन की वजह से कोई भी गिर सकता था, पर शाहरुख ने इस गाने में सेफ्टी हार्नेस का यूज़ नहीं किया। उनका कहना था कि मेरी मूवमेंट्स बैकग्राउंड डांसर्स से अलग थी, जहां मुझे कभी भी जंप मारनी थी और कभी अलग एंगल्स में कूदना था, तो मैं नहीं चाहता था कि हमें बार बार शूटिंग रोकनी पड़े मेरी सेफ्टी हार्नेस को लेकर, इसीलिए मैंने उस गाने को बिना सेफ्टी हार्नेस के ही शूट किया। नंबर 50। कल हो ना हो की एंडिंग जहां अमन की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है, शाहरुख इस एंडिंग को अपने बच्चों के लिए चेंज करना चाहते थे क्योंकि आर्यन और सुहाना तब बहुत छोटे थे और शाहरुख नहीं चाहते थे कि दोनों अपने पापा को ऐसे मरते हुए देखें। इसीलिए शाहरुख ने स्पेशली फिल्म की ऑल्टरनेटिव एंडिंग शूट की जिसमें अमन का कैरेक्टर कैंसर को बीट कर देता है और फिल्म एक हैप्पी नोट पे खत्म होती है। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।